चैनल एंड वेलकम टू येट अनदर व्लॉग जो कि है भिलाई का ट्रिप और दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन। एंड हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग दुर्गा पूजा के दौरान अपने होम टाउन चले जाएंगे और इन लॉस के साथ में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करेंगे। एंड ऑफ कोर्स वी विल स्टे देयर फॉर वन वीक एज वेल। सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द वीडियो एंड आई विल शो यू हाउ आई सेलिब्रेटेड दुर्गा पूजा इन आवर होम टाउन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 10 अक्टूबर को सुबह 7 बजे की हमारी ट्रेन थी हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से। हमने वो ट्रेन पकड़ी टुवर्ड्स दुर्ग जाने वाली 7 बजे की ट्रेन थी और हम लोग 6:10 पर ही अपनी ट्रेन में पहुंच गए थे। और ये है हमारा कूप जो हमने बुक किया था पहली बार और इसका एक्सपीरियंस लिया, बहुत ही अच्छा लगा। ये कूप बहुत ज़्यादा सेपरेट कैबिन है और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और इसमें इस तरीके से 2 बर्थ थे एंड हमने अपना लगेज सामने ही रख दिया था। और इसमें कर्टेंस वगैरह भी हैं और गेट्स भी हैं तो आप वो डोर्स क्लोज करके रख सकते हो फॉर सम प्रीवेसी एंड यू कैन डू योर वर्क एंड ऑल। तो हम लोग यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम करने वाले थे तो हमने सब लैपटॉप वैपटॉप आराम से खोला और अपना बैठ गए काम करने। उसके बाद हमने ट्रेन के मज़े लिए, नज़ारे देखे और हम चल दिए टुवर्ड्स दुर्ग। अगले दिन सुबह 5:15 बजे हम दुर्ग स्टेशन पहुंच चुके थे और अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। और इस तरीके से ये एक स्टेशन है दुर्ग का, इस समय 5:19 हो रहा था। सुबह हमने जाके वहाँ पे पुष्पांजलि किया अष्टमी वाले दिन रेडी होकर। तो 6:30 बजे का टाइम था तो हम लोग फटाफट से पुष्पांजलि किए और इस तरीके से दुर्गा माता के सामने ये बलि दी जाती है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ फल फ्रूट रखे हुए थे जिनके साथ वो बलि देने वाले थे। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ डन। तो अब मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने साड़ी पहनी है और अब हम लोग बाहर जाके अलग अलग दुर्गा पंडाल्स एक्सप्लोर करने वाले थे। पर उससे पहले हमने हलवा और छोले बनाए। तो हम लोग 9 कन्याओं को हर साल ऐसे ही प्रसाद खिलाते हैं और कन्या भोजन कराते हैं अष्टमी पे। तो हमने उस दिन यही बनाया था और इस तरीके से हमने
कंजकों के लिए ये सारा प्रिपेयर किया और फिर उनको हमने दे दिया था ये प्रसाद। उसके बाद हम निकल पड़े अपना दुर्गा पंडाल्स को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड भिलाई में बहुत ही अच्छे अच्छे दुर्गा पंडाल्स हैं, सो यू कैन एन्जॉय दैट एज़ वेल। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ रामकृष्ण आश्रम भी गए थे और यहाँ पे भी पुष्पांजलि होने वाला था, तो हम यहाँ थोड़ी देर बैठे और हम लोगों ने वो पुष्पांजलि देखा और इस तरीके से पंडित जी वहाँ पे पुष्पांजलि कर रहे थे। इसके बाद आश्रम के बाहर ही यहाँ पे एक पंडाल लगा हुआ था और यहाँ पे खिचड़ी भोग प्रसाद मिल रहा था, तो हमने इतना बड़ा लाइन में लगकर खिचड़ी भोग खाया और उसके बाद हम लोग चल दिए पंडाल देखने। तो ये एक पंडाल है, बहुत ही सुंदर लगा था। अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग पंडाल बने हुए थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सो ये था इनका थीम शिवा के ऊपर और अंदर से ही बहुत सुंदर लग रहा था। सो हमने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस और फोटोग्राफी किया और अब मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ इस पंडाल में। अब बहुत ही सुंदर पंडाल है, आप खुद देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी हम चल दिए हैं अपने नेक्स्ट पंडाल की तरफ और ये है भिलाई की सड़कें, आप इसे भी इंजॉय करो। और ये यहाँ का मार्केट एरिया है और बहुत ही चहल पहल और बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे थे उस समय मार्केट में, और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया हमने वहाँ पे मार्केट के अंदर। एंड दिस इज़ एंडी, मी एंड मम्मी पापा। एंड एंडी बिल्कुल भी देख नहीं रहा था कैमरे की तरफ, तो मैंने थोड़ा सा मुंह बनाया एंड देन ही लुक्ड इनटू इट। सो हम अब नेक्स्ट पंडाल पहुंच चुके हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, यू कैन सी इट। इसके बाद हम सीधा रात में निकले फॉर द डिनर और डिनर करने के बाद हमें अलग अलग और दुर्गा पंडाल्स एक्सप्लोर करने थे, तो हम निकल पड़े थे 8:30 बजे। हम यहाँ पहुँचे इंडियन कॉफ़ी हाउस में जो यहाँ नया बना हुआ था, और यहाँ पे बैठ के हमने दाल रोटी राइस और नॉनवेज ये सब खाया और इन्जॉय किया। उसके बाद हम लोग सब निकले अलग अलग दुर्गास देखने के लिए, और रात को तो दुर्गा पूजा बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत अच्छी लाइटिंग हो रखी थी एज यू कैन सी हियर, एंड लोग तो भर भर के थे सड़कों पर, तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड नाउ यू कैन ऑल्सो इन्जॉय द सेम।
मैं कसम पिताजी, वो लड़की बहुत खूबसूरत है। मीटा घूरे घुमा टान किया तो अमजद खान देखा, उत्पल चौधरी देखा तो उत्पल जी अमजद खान को बोलते हैं, अरे अमजद बेटा तुम्हारा आंख क्या अंधा हो गया क्या, तुम देखा नहीं कि वो लड़की नहीं वो हिज्जा है। तो हिज्जे को दिल में लगा कि मेरे को हिज्जे बोल दिया, तब हिज्जे ने कहते हैं, अरे भाई लड़की लड़की क्या करते हो, लड़की का कोई दम नहीं, अरे लड़की लड़की क्या करते हो, लड़की का कोई दम नहीं, दिल लगा कर देखो, हम किसी से कम नहीं। थैंक यू। यदि इसके बाद कुछ दुर्गा पूजा पंडाल्स और हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो हमने अपने दिल्ली में देखे थे, जहाँ हम रहते हैं उसी के नियर बाय 2-3 पंडाल्स थे जो हमने एक्सप्लोर किए, और ये दिस इज़ वन ऑफ देम। तो बहुत ही सुंदर पंडाल्स हमारे वहाँ पे भी बने हुए थे जगह जगह, और ये वाला तो बहुत ही सुंदर दुर्गा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मच कलरफुल और बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड था, मुझे बहुत पसंद आया था। ये हमारे घर के पास में ही एक पंडाल था, वहाँ पे हमें देखा, ये एक दूसरा मंदिर था, वहाँ पे दुर्गा बिठाई हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी ये भी। और इसके बाद हम लोग चले गए थे, और यहाँ पे एक प्रोग्राम भी हो रहा था इनफैक्ट, तो बाहर में ऐसे ऑर्केस्ट्रा और ये सब और प्रोग्राम कर रहे थे, लेडीज़ प्रोग्राम कर रही थी, सो दिस इज़ हाउ वी हैव इन्जॉयड। उसके बाद हम एक और पंडाल में गए एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, यहाँ पे भी एक अच्छे से प्रोग्राम हो रहा था एंड दिस इज़ अ दुर्गा, उन्होंने अच्छे से बनाया था, ये बहुत सुंदर लग रहा था वाइट में, और ये वाइट दुर्गा मुझे बहुत पसंद आता है। उसके बाद ये हमारी सोसाइटी का एरिया है जहाँ पे ये मेला सा लगा हुआ था, और इस यहाँ पे भी स्टेज लगा हुआ था एंड बच्चे वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे, एंड दिस इज़ ऑल द स्टॉल्स जो हमारी सोसाइटीज़ में एवरी टाइम लगते भी हैं, दिवाली मेला पे भी लगता है, दुर्गा पूजा के टाइम पे भी लगता है। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, लोग यहाँ पे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे, और यहाँ पे दुर्गा जी बिठाई हुई थी, तो यहाँ दुर्गा माता की मूर्ति बिल्कुल गोल्डन में थी, लाइक दिस, दिस इज़ हाउ वी हैव इन्जॉयड। सो दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ दिस वीडियो, पार्ट टू विल कम सून, सो स्टे ट्यून्ड विद मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल, डू शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन एंड सपोर्ट माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट अदर वीडियोज। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय द फेस्टिवल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।